हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज काफ़ी स्पेशल है, आज दिवाली है, तो आज मैं दिवाली सेलिब्रेट करने अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। सो सबसे पहले मैंने बाथ ले लिया था, उसके बाद मैं रेडी हुई। तो सबसे पहले मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ, डॉट एंड की तरफ से, काफ़ी हाइड्रेटिंग है। सो मैं मेकअप अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लूँगी, क्योंकि उस पर फिर ईजिली मेकअप ब्लेंड हो जाते हैं एंड ग्लो भी अच्छा आता है। उसके बाद ये मैं मॉइस्चराइज़र लगाया मैंने, ये डॉट एंड की का था एंड ये काफ़ी अच्छा है। और ये विटामिन सी है इसमें, और मैं इसको, ये बहुत लाइट टेक्सचर है और बिल्कुल वाटर बेस्ड है। इसको मैं अच्छे से अपने लगा लेती हूँ पूरे फेस पे, और मैं मसाज करती हूँ, और लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स मैं अपने नेक पे भी यूज़ कर लेती हूँ और अपने फिर हैंड्स पे। एंड उसके बाद मैंने अपने फेस, अपने लिप्स पे लिप बाम लगा लिया, क्योंकि मेरे लिप काफ़ी ड्राई हो रहे थे और मेरे को मैट लिपस्टिक अप्लाई करनी थी, तो उससे ऑलरेडी बहुत ड्राई हो जाते हैं। एंड देन मैंने अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स निकाले जो भी आज मेरे को यूज़ करने हैं। एंड सबसे पहला स्टेप जो है वो है ये हाइलाइटर, ये मैंने अप्लाई किए, ये 2 ड्रॉप्स मैंने लिए और फिर इसको रब करके मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया, जिससे थोड़ा ग्लो हो। फिर ये NYX का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 02। सो मैं अपने अंडर आइस के पे लगा रही हूँ और अपर पे भी, क्योंकि मेरे को आई शेडो आज अप्लाई करना है। और फिर मैं इसको अपनी फिंगर से ब्लेंड कर ले रही हूँ। यूजुअली मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, बट मेरी बहुत ड्राई स्किन है तो ब्रश से उतना अच्छा टेक्सचर नहीं आता, तो मैं अपनी फिंगर से यूज़ करती हूँ बिल्कुल नेचुरल लुक देने के लिए। तो बस मैंने अपनी अंडर आइस पे अप्लाई किया है और ये ब्लेंड हो गया है। अब मैं दूसरी अंडर आई पे भी सेम वैसी ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं अपना कंसीलर ज़्यादा नहीं लगाती, सिर्फ मैं इनर आउटर एंड अपर पे लगाती हूँ। जितना आप प्रोडक्ट कम लेंगे उतना इजी होगा और उतना आपका फेस कम केकी लगेगा, तो मेक श्योर आप प्रोडक्ट लेस लें। अगर आपको लगे कि मतलब ब्लेंड नहीं हुआ, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, कितना भी बिल्डेबल। और काफ़ी अच्छा कंसीलर है NYX का फॉर लाइक ड्राई स्किन, ऑयली स्किन। उसके बाद मैं फिट मी का लूज पाउडर लेती हूँ अपना फेस सेट करने के लिए। तो मैं सिर्फ अपने अंडर आइज पे लगाती हूँ, और लगाते प्लीज़ मेक श्योर कि कोई भी लाइंस नहीं है, अगर हैं तो उनको पहले ब्लेंड कर लीजिए। और फिर ये मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर लगा के अपने पे कर लिया। उसके बाद मैं आई शेडो अप्लाई करने के लिए मैं ये न्यूड ब्राउन शेड लेती हूँ बेस पे। तो ये मैंने अप्लाई करा यूजिंग अ ब्रश, तो ये पफी ब्रश है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं दोनों आइज पे लगा लेती हूँ, और ये काफ़ी लाइट लगाना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। एंड देन उसके बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड देन फिर मैंने कीको से लिया था शेड सिल्वर, इसमें हल्का सा ग्लिटर है, इसको मैं इसके ऊपर लगा दे रही हूँ फिंगर से। तो फिंगर से बेस्ट होता है प्रेस ग्लिटर लगाना, क्योंकि ब्रश में वो इतना इजीली अप्लाई नहीं हो पाता। तो पहले मैंने ये इसकी दो कोट दोनों पे करा, तो काफ़ी अच्छा आ गया था। उसके बाद मैंने ये भी फिर कीको का है, ये मैंने, क्योंकि मैं लेवेंडर कलर का कुर्ता डाल रही हूँ, तो मैंने पिंक वाले डाले कि काफ़ी हाईली पिगमेंटेड है और ये काफ़ी अच्छा है। ये एक सिंगल स्ट्रोक में काफ़ी अच्छे से ग्लिटर आ जाते हैं, एंड आप देख सकते हैं कितने, मतलब बहुत कम टाइम में कितना अच्छा ग्लो आ गया है। ऑलरेडी मेरी आई मेकअप इतना सिंपल था। एंड उसके बाद मैं ये कॉम्पैक्ट कीको मिलानो का यूज़ कर रही हूँ। मैंने पूरे फेस पे कहीं भी कंसीलर या कोई भी फाउंडेशन नहीं लगाई है, सिर्फ जहाँ मेरी पिगमेंटेशन थी अंडर आइज पे, और अब पूरे फेस पे मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया। और बस इतना ही मैं करती हूँ अपने फेस के लिए। अब इसके बाद मैं अपना ऑलरेडी, मैं फिर इसके बाद ब्लश लगा रही हूँ, ये भी कीको मिलाने से। मैं क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है, तो ब्लश काफ़ी अच्छा है। ये उनकी रेंज एक मूड बूस्ट समथिंग करके है, उसमें ये पीच शेड है। इसको मैं पहले ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा ब्लेंड करती हूँ, एंड देन मैं अपने हैंड्स को यूज़ करके नेचुरल लुक के लिए इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड उसके बाद ये मेरा ब्लश हो गया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसके बाद मैं ये अपनी पैलेट यूज़ करके, इसमें हाइलाइटर है, एंड उसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ। हाइलाइटर हमेशा अपने चीक से ऊपर लगाना होता है, एंड अगर आप चाहो तो आप अपने नोज़ पे भी लगा सकते हो। मैं यूजुअली अपने बस चीक्स पे लगाती हूँ, एंड मन करता है तो मैं नोज़ पे लगा लेती हूँ, बट हमेशा नहीं। एंड फिर मैं अपनी ये नायका की लिपस्टिक लेती हूँ अपना बेस लिप्स का वो करने के लिए। ये मेरी फाइनल लिपस्टिक नहीं है, अभी मैं काफ़ी लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, मैं मिक्स करती हूँ यूजुअली। एंड फिर मैं चीक टिंट लेती हूँ थोड़ा सा, और अपने चीक्स को हाईलाइट करने के लिए, वाटर बेस्ड है, काफ़ी अच्छा है फेस शॉप का।
एंड इससे और ग्लो आ गए। फिर मैं अपने लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि कभी भी अगर आप लिपस्टिक आपकी रिमूव हो जाती है तो नीचे जो आपका टिंट होता है वो रहता है हमेशा। उसके बाद मैं लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैं ये मेबलिन की है, ये थोड़ी पिंकिश शेड में है, इसका नेम बेब है। और फिर मैं अपना आईब्रो सेट करती हूँ। सो मैं इतना फिल नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी मेरी काफ़ी थिक आईब्रोज हैं, बट मैं सिर्फ ब्रश करती हूँ। तो मैं हल्का हल्का जहाँ मेरे को लगता है कहीं गैप है तो बस वहीं फिल करती हूँ स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं इसको ब्रश कर लेती हूँ अपनी आईब्रो को अच्छे से। एंड हम मेक श्योर आप जब भी लाइक कर रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल है, तो आप अपनी आईब्रो बनवा लें, क्योंकि उससे बहुत फेस में चेंज आते हैं। मैंने एक दिन पहले ही बनवाई थी। एंड उसके बाद मैं अपनी अब आई मेकअप के लिए प्रोडक्ट सर्च कर रही थी, बट पहले मैंने सोचा मैं अपनी लिपस्टिक चेंज कर लूँ। तो ये मैं मेबलिन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये सिडिक्ट्रस शेड है। ये जितने भी मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। ये सारी मेरी फेवरेट है। यूजुअली मैं न्यूड ही लगाती हूँ, न्यूड या मैं पिंक्स बहुत कम लगाती हूँ। तो मैंने ये अप्लाई की है, बट ये थोड़ी लाइट हो रही थी, ये मेरे को थोड़ा वॉश ऑफ कर रही थी। तो इसके ऊपर मैंने फिर ये एक्सप्लोर शेड बाय लॉरियल, ये न्यूड ब्राउन शेड है, ये मैंने लगाया। ये मेरे को परफेक्ट मैच कर रही थी। एंड इसको आपको जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर जो भी आपने पहली लिपस्टिक लगाई है इसके ड्राई होने का वेट करें, एंड देन उसके बाद दूसरी लिपस्टिक लगे। और इसमें थोड़ा सा और ग्लो ऐड करने के लिए मैंने ये लिप ग्लॉस मैं ऐड कर रही हूँ, ये बाहर का ही मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था। सो काफ़ी अच्छा है, एंड इससे इंस्टेंटली आपके लिप्स ग्लो होते हैं। तो इसको यूजुअली मैं जब भी मेरे को कुछ हैवी मेकअप या कुछ फेस्टिव ऐसे करना है तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ, नॉट ऑन डेली पर्पस। एंड या ये मैम मेकअप लुक रेडी है। मैंने मस्कारा और आईलाइनर लगा लिया था, एंड ये मैंने कुर्ता वेयर किया है, एंड मैं मॉल। वेलकम बैक टू माई चैनल, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो अभी मैं एम्बियंस मॉल आई हूँ दिवाली लंच पे। सो अभी मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी, मैंने वही का ब्रांड से मंगवाया है। सो जो आउटफिट मैं वेयर कर रही हूँ ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, ये ब्रांड अहीका से है और काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है मोविश कलर में। ये पूरा सेट मिला था जिसमें पैंट्स दुपट्टा एंड ये है, एंड इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, पॉलिश सिल्क में है। इसको मैंने अपने वेजेस के साथ पेयर किया था एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल था, मेरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। और इसके साथ मैंने अपना स्लिंग बैग लिया था, और बस मैंने इस सीरीज़ में वॉच और वो पहनी थी बैंगल्स, मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम पहने थे सेम मैचिंग। एंड देन उसके बाद मैं KFC गई थी, मैंने वहाँ पे बर्गर खाया था, फ्राइज़ खाए थे और पेप्सी पी थी। और ये मैंने कुछ सेल्फीज़ और वीडियोस क्लिक करी थी उसी टाइम पे। तो उसके बाद बर्गर मैंने अपना फूड फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी क्योंकि मेरे को इवनिंग में पूजा करनी थी। तो मैं अपनी नानी हाउस गई थी, हाँ मैं अपने कज़न से मिली, और ये मेरे कज़न है। सो आप थोड़ा उड़ता है, कोई नहीं, जितना उड़े। अपना ड्रोन दिखा रहा था, कैमरा भी लग जाता है, हमने काफी ये वाला ड्रोन है वो ब्लॉगर्स उड़ाते हैं। एंड या क्या पता चल जाए, बढ़िया ये लगा दे गाना, वाह चला 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 उड़ा दिखा दिखा कहाँ उड़ा कहाँ दिखाई नहीं। अच्छा ये गाइस चोर बाजार सा है, गुंडा पटाखे सप्लाई करते काली पंडी काली पंडी में देख क्या दे रहे हैं, छुपके से ओए सारा ये हमारे लिए। रूनी को ही गाना बता दे, चोर लग रहा है, स्कूल बैग इसलिए लाया कि किसी को लगे नहीं, स्कूल बैग इसलिए लाया किसको लगे बेचारा बुक्स वगैरह ले रहा है। आगे आगे डैडी मना करेंगे क्या जलाने के लिए, कोई बड़ा मत देखे जाना। एक और दे दो, लड़ी है हाँ लड़ी
काली काली पन्नी में से तो ऐसे निकाल रहा है जैसे पता नहीं क्या है इसकी पन्नी में। और देख स्कूल बैग ले रहा है किसको शक ना हो किसी को लगे। अबे वो है ये कलर वाला वो चाहिए इसका स्काई शॉट है भैया। नहीं ये मोटे मोटे मत दो हमारे केस का शॉट मुझे पता है नहीं ला लेना हम उड़ जाएंगे नीचे भेजो इसको और तू तो लाएगी मैं नहीं जला रही तुम मैं तो जो अपने लाएगी मैं वो जला दूंगी इस लड़की को मुझे पास स्कूल बैग ऐसे ले रहा है किसी को लगे बुक्स लेके घूम रहे हैं। दो हम 100 रुपए का नाला है एक भी स्वीट है बुक्स ऐसे लाए बैग की छोड़ दो अबे जाती है चरखी वो छोटे बच्चे नहीं आ गए उनके लिए ले रही है जलाने के लिए बस एक ही दो ही चाहिए। ये ना पता क्या करेगी अब नीचे उड़ाएगी छाए आराम से उधर पुलिस आगे से पकड़ के लोग वगैरह के साथ गवासी बस देख सारी ना ले गई अब ये ना सारी चीज लोग के साथ चलाएगी। भैया रॉकेट मत दो क्यों ठीक है रॉकेट ले जाऊंगा रॉकेट ले जा रहा है स्काई शॉट भी स्काई शॉट नहीं स्काई शॉट दे दे कुछ ही को दे स्काई शॉट पता कैसे चलते हैं पता है अबे मेरे में बस पहले भी था अरे हम अपने ऊपर पड़े के तो पागल ही है पता है भाई पता है मेरे को मेरे पास तू आएगा पर्पल साइड अरे यहां से जल्दी भाग जाओ डैडी आ जाएंगे इसके बैग पकड़ा जाएगा कहेंगे दिवाली वाली पढ़ाई कर रहे हैं लड़का सुन ले पर्पल चीज ये आप खुद फूट जाएंगे आप देखो नहीं बच्ची है और रॉकेट मत दो एक दे दे, एक दे। नहीं भैया उस दिन याद है आपने भी बोतल में डाल के फोड़ा था पता नहीं चलता रॉकेट हमारे अंदर घुस गया दोबारे गए बच्ची इसका देने का मन नहीं है चोर का देख कैसे गिन रहा है थैला पड़ेगी तो मैं नमन को दे दूंगा ये नमन है जो नीचे खड़ा है सास साहस थोड़ी हो ले पकड़वाने के लिए भैया रॉकेट फालतू में वेस्ट जाएंगे अभी मत दो वो जलाएगा ना रॉकेट कोई बड़ा भी नहीं हमारे साथ वो जलाएगा ना बड़ा रॉकेट लोग से थोड़ी जलवा रहे हैं और ये भी दो एक ही रख ले यार रॉकेट पास है ले ले कोई कुछ दिक्कत नहीं है हो गए रख ले दो दो जलाना सारे ले रख पॉकेट नंबर टू खुल गए गाइस अनार तुम्हें दे दिए मैंने दिए वाले अनार भी दे दिए और ये चरखी देख लो ध्यान से ये पता है मेरे को दे तो दिए ये मत खोल नमन के ये खोल लो सारे दे दिए रात को ना सोसाइटी के अंदर जलाना गई पुलिस पकड़ के ले सो ये मैं आउटफिट में मैंने कुछ वीडियोस क्लिक करने की कोशिश की थी एंड ये पिक्चर्स है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल टर्न आउट हुई है सो या यू कैन चेक इट आउट सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।